मधुवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत में अब हर सुबह स्वच्छता कर्मियों के सीटियों की आवाज गूंजेगी, जहां स्वच्छता कर्मी हर सुबह मधुवापुर के सभी 14 वार्डों में प्रत्येक घरों के दरवाजों से सीटी बजाकर कचरे का उठाव करेंगे। ई रिक्शा ड्राइवर या ठेला गाड़ी वाले आएंगे तो अपने घर से कचरा हम उनको नीले डब्बे में और हरे डब्बे में रख देंगे, ताकि वो कचरा अपने वेस्ट प्रोसेस यूनिट पे जाके उसका जैविक खाद का निर्माण हो। शुक्रवार को पंचायत के महारानी स्थान प्रांगण में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान DRDA के निदेशक डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, BDO राजेश कुमार, मुखिया राजेश कुमार व अन्य आगत अतिथियों द्वारा कचरा उठाव के लिए सज धज कर तैयार सभी ठेलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत पदाधिकारियों व आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दोपट्टे से अलंकृत कर की गई। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BDO कुमार ने कहा कि मुख्यालय पंचायत में इस कार्यक्रम की शुरुआत होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो कचरे हैं उसको पुनः रिसाइकलिंग किया जाता है और उसमें तरह तरह का जो है, जैसे कि खाद का निर्माण या अन्य सामग्रियों का भी निर्माण होता है। ये कार्यक्रम स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है कि हम सभी लोग जो यत्र तत्र इधर उधर कचरा को फेंकते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या होती है। वहीं DRDA के निदेशक डॉक्टर प्रसाद ने इस कार्यक्रम में आम जनमानस की भूमिका व कर्तव्य तथा इससे होने वाले फायदों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। वार्ड मेंबर का भी है, स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छता पर्यवेक्षक है। अपने संबोधन में मुखिया राजेश कुमार ने कहा कि यह क्षण मधुवापुर के लिए गौरवपूर्ण है, जहां पंचायत में स्वच्छता को लेकर यह योजना आरम्भ हो रही है। स्वच्छता का कार्य आरम्भ हुआ है और हम लोगों की खुशी होनी चाहिए। तो आप सभी से विशेष आग्रह है कि यह जो ठेला का जो कार्य स्टार्ट हुआ अपने पंचायत में, इस पे सब लोग विशेष रूप से ध्यान दे करके सुबह में कचरा देने का काम करेंगे। कार्यक्रम को इनके अलावा सरपंच बलराम झा, भाजपा के जिला मंत्री शिव कुमार प्रसाद, प्रखंड समन्वयक राजकरण ठाकुर सहित अन्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार नायक ने किया। देखिए जी, सामने जो रिक्शा लागल है और सामने जो कर्मी छत, वो अपन गांव के स्वच्छ राखा चाहे कूड़ा कचरा से वही सब खाद तैयार होते और जो सुखाई वस्तु जो रहते वही सब जे वही सब जे चीज बने वाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना, जिसके तहत आज इस मधुवापुर की धरती को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सभी को कि स्वच्छता के लिए एक विशेष कदम। बता दें कि मधुवापुर पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता कर्मियों को डस्टबिन, ठेला गाड़ी, पोशाक, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्रियों से लैस कर दिया गया है। इसके तहत पूर्व में ग्राम पंचायत स्तर से सभी परिवारों को हरे व नीले रंग के कूड़ेदान दिए गए थे। इनमें हरे रंग के कूड़ेदान में गीले कचरों को, जबकि नीले रंग के कूड़ेदान में सूखे कचरों को डालना है। इन कूड़ेदानों को अपने अपने घर के आगे रखना है, जिसे ठेला चालक सुबह सुबह प्रत्येक परिवार से जाकर इकट्ठा कर लेंगे। तो 2 डस्टबिन प्रत्येक परिवार को दिया गया था, एक गीला और एक सूखा कचरा डालने के लिए, ना कि उसमें चावल दाल रख करके घर में यूज करने के लिए। आप लोग ध्यान देंगे, वह उपयोग करेंगे। मीडिया लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।